नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। और एमपी तक एक बार फिर दर्शकों के बीच मौसम का हाल लेकर आ गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश से थोड़ी राहत लोगों को पिछले दिनों मिली, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का आलम देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखी जा सकती है। पहले बताएंगे कि आखिर मौसम विभाग ने किन जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए और भोपाल मध्य संभाग को छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरे मध्य प्रदेश लिए, जिसमें कि आपको बता दें महाकौशल, विंध्य और मालवांचल आता है, इन तमाम क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि ग्वालियर चंबल और विंध्य और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में ग्रीन अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला चल पड़ेगा। माना जा रहा है कि एक बार फिर से सिस्टम एक्टिवेट होने के चलते मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि सितंबर के अंत में मॉनसून वापस लौटता है, ऐसे में रिकरिंग मॉनसून का असर भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखा जाएगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश वासियों को बारिश से राहत मिली, धूप दिखाई दी, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है, खासतौर पर महाकौशल क्षेत्र में भारी बारिश होती हुई दिखाई दे सकती है। मौसम विभाग के अनुमान जारी करने के बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन अलर्ट मोड पर भी आ गया है। मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।